जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज लुधियाना के वार्ड नंबर 80 में हल्का पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी एडवोकेट बिक्रम सिंह सिद्धू के पक्ष में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे। इस अवसर पर बिक्रम सिंह सिद्धू ने पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस क्षेत्र के पूर्व विधायक द्वारा कोई भी विकास के कार्य नहीं किए गए हैं और इस क्षेत्र का पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है और यह पानी इतना प्रदूषित है कि इसे पीने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो रही है। धारा नहीं हम हमाके अज बहुत वड्डी गिणती दे विच इत्थे इकट्ठ कीता और इकट्ठ दे विच इन्ना जोश आ कि इंज प्रतीत हुंदा कि वोटां भावें 20 फरवरी नूं पैणियां असीं इलैक्शन अज ही जित चुके हैं। भारत माता की जय। सिद्धू साहब तुहाडी सोच ते पैरां दे अंगे ठोक के सिद्धू साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और कहिंदे सारयां दे इकट्ठ दे विच ही बरकत हुंदी आ। ये चीज़ अज मैनू इत्थे पवित्र नगर दे विच आ के गोपाल नगर दे विच आ के बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। मैं सारयां दा ही और सारियां संगतां दा सारे भरावां दा अपने तह दिल तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हां, धन्नवाद भी करदा कि तुसीं भारतीय जनता पार्टी दा सिर भी उच्चा कीता ते कद भी वड्डा कीता है। और अज विरोधियां दे मैनू इदां लगदा कि रात नूं नींद नहीं आउणी उहनां नूं देख के सारा कुछ बाली जी के इस नगर दे विच जिथे वह कदे कहिंदे सी कि साडे ही हुंदे ने उत्थे कुछ नहीं हैगा, उन्हां दा सारे साडे ही ने अज। पर एक चीज़ की बहुत दुख ते तकलीफ हुंदी है इस एरिए दे विच आके कि इस एरिए नूं 5 साल इन्हां लीडरां ने बिल्कुल निगलैक्ट करके रखिया। 5 साल 10 साल ही हो गए। और मैं ये भी गल सही है बाली जी दी कि वाकई ही पिछले 15-20 साल तो इस एरिए दे विच कोई तरक्की नहीं हुई, कोई विकास नहीं होया। अक्सर ही जदों आईदा आ तो उदों इदां पता लगता है कि इत्थे दी बेरोजगारी जिहड़ी आ महीने दी महीने नहीं रोज़ दी रोज़ वधदी जा रही आ। बेसिक पानी और गुआंढ दे विच बुढ़ा नाला लंघदा होण करके गंदगी इन्नी धरती दे विच जा चुकी आ कि इत्थे दे नलां दे विच जिहड़ा पानी आउंदा आ उह बिल्कुल पीण योग नहीं गा। बड़े रिस्पैक्टड मंत्री साहब ने पर उन्होंने जो जनता ने कहा कि एक पानी का गिलास पी के विखाओ इस नल दे विचों ते ओ जनता दे नाल लड़ लुड़ के अपनी गड्डी च बह के भज गए इतों। कहण दा भाव जे इस इलाके दे विच तुसीं 5 साल कि 10 साल तो MLA हो, 5 साल तो तुसीं राज कर रहे हो, उस एरिए दे विच जिथों तुसीं वोटां लै के किसे टाइम तुसीं जिते सी अज उस एरिए दा तुहानूं पानी भी चंगा नहीं लगता, इहदा मतलब तुसीं उत्थों दी पब्लिक नूं निगलैक्ट कीता होया है। उत्थों दी पब्लिक वाले विकास दे कम्मां वल जां उहनां दी तरक्की वल जां उहनां दी बेरोजगारी वल जां उहनां दे पानी पीण वाले पासे तुहाडा कोई ध्यान नहीं गा। सो बेरोजगारी अनएम्पलॉयमेंट इत्थों दे घरां दे जिहड़े मकान ने उह भी हले प्रोपर नहीं बणे। पंजाब नूं करोड़ां रुपए के पैसे भेजे पर पता लग्या कि आशू जी हुणां ने अपने चहेतियां नूं उन्हां दे 20-20 हज़ार के जिहड़े चैक सी उह गैर कानूनी ढंग नाल कट्टे, जिन्हां दी अदायगी भी नहीं हुई। सुनन आया वी विचों फरौती भी कुछ इत्थों दे लीडर लै गए। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के पूर्वी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दलजीत सिंह भोला गरेवाल द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब के लोगों को गुमराह करके उन्हें लूटा है और उनसे वोट हासिल किया था, पर अब पंजाब की जनता बदलाव चाहती है और इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर पंजाब की जनता पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। विधानसभा हल्का पूर्वी लुधियाने में अंधेरी चल रही है। अज तूफान आया होया आम आदमी पार्टी के हक च और ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो अज घबराए पे ने कांग्रेस वाले अकाली वाले और बड़े बड़े लीडर जोड़े कहें असी बड़े नाडू खाव तो उन्होंने बुला के मीटिंगा करा रहे हैं, पर एक पासे वो नाडू खां वो जड़े जिन्होंने पंजाब लुटिया वा लुटे रहे तो दूजे पासे आम आदमी ये सोची बैठा भी इस बार 20 तरीक कदों आ जाए तो कदों झाड़ू वाला बटन दबाइए तो कदों इन्हां दी सफाई कर दिए तो कमानदार सरकार लैके आईए। और अज सवेर तो मेरा ख्याल 7 बजे तो लगे हुए हैं, 7 बजे तो अनेक मीटिंगा हो चुकियां
अनेक महल डोर टू डोर हो चुके हैं, हर थां तो एको आवाज आउंदी आ। जे किसी कहने माता जी भैन जी बजुर्गो इस बारी झाड़ू वाला बटन दबा के आम आदमी पार्टी का चोन निशान एक मौका आपू दे दौ तो उधरों आवाज की आँदी आ। इस बार तो इधर ही है सारे सारे बेईमानों देख लिया, इन्होंने लुट के खा लिया पंजाब नूं, पंजाब च नशा ला के और करप्शन करके बेरोजगारी करके अज पंजाब जाड़ के रखता। तो इस बार इन्हों की सफाई करनी करनी आ और सफाई करके एक ईमानदार सरकार लेके आनी है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के वार्ड नंबर 43 में आते डुगरी गांव में आत्मनगर निर्वाचन क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी हरीश राय ढांडा के समर्थन में बसपा और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लोगों को शिरोमणि अकाली दल द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर बोलते हुए हरीश राय ढांडा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को इस क्षेत्र के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इस निर्वाचन क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और लोगों ने अब ये निश्चित कर लिया है कि वह दिल्ली वालों को वोट नहीं देंगे। पिंड दे सद्दे ते बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप वालों एक ऑर्गेनाइज की गई बैठक वर्कर साहबान की। इस बैठक दे विच लोगों नूं उन्हां दे भविख बारे ते पिछोकड़ बारे दस्या गया कि अकाली दल ने की कीता है। दस्या गया कि जिन्नियां स्कीमां गरीब पक्षी अकाली दल ही बनांदा है, जिहड़ियां असीं हुण ब्यौंतां बनाउणियां उहदे बारे दस्या है। लोगों ने भरपूर भरोसा दिता है ते इह वी किहा कि असीं अजमायां नूं ही वोट पावांगे, जिहड़े असीं अज तई नहीं अजमाए जिहड़े दिल्लियों आंदे हैं असीं कदे उहनां नूं वोट नहीं पावांगे। मैं संगतां दा बहुत धन्नवाद करदा ते उम्मीद रखदा कि इत्थों मैनूं वध तों वध वोटां पा के जिताउणगे। ये दुगरी पिंड है जी, वार्ड नंबर 43, इहदे च आत्मनगर हलका है ते इत्थे भैणां मिलियां, बड़ी खुशी होई मिल के। बड़े सूझवान बंदे इत्थे दे, बड़े समझदार संगत है। मैनूं पूरा भरोसा है कि इन्हां ने सही तकड़ी तोड़ के तकड़ी नूं वोट पाई। की कर रहे हैं? मैं दस के हटे हैं कि ठग्गा तो डुगडुगी वालियां तो बचो। ये भी दस के बोल सकते हैं। एक मिनट, एक सामने लेडीज है, उन्होंने दसा भी साडे काफी समय तो बाले टुटे हुए हैं, भी फार्म इन्होंने भरे है, अज तक सरकार ने कोई सुनी नहीं साडी गल। जिहड़ा 15 करोड़ रुपया इन्हां दा गरीबां दा करवल दे राही गैर कानूनी ढंग नाल वंडिया गया, गरीबां दा हक खो के कोठियां वालियां नूं 20-20 हज़ार दित्ता है। जिहदे बाले टुटे हैं उहनूं नहीं मिलिया, जिहदी छत टुटी हुई है, मकान माड़ा है, उहनूं नहीं दित्ता। इन्हां ने 5-5 लख 10-10 लख जाली संस्थावां दे नाम दे के इलैक्शन फंड इकट्ठा कीता है। गरीबां दा 200 करोड़ कारपोरेशन ने सड़कां ते माड़ा माल ला के खा गए सारे कांग्रेसी। यदि तहकीकात होगी ये सारिया नूं, जिन्ने गरीब बंदे हैं, जिद्दन अकाली दल सरकार आ गई हरेक इट्टां वाले वाले दी घर पक्का करन लई सरकार ग्रांट दोगी। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। हलका सेंट्रल से शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी प्रतपाल सिंह पाली के पक्ष में जनकपुरी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इलाका निवासी मौके पर पहुंचे और प्रतपाल सिंह पाली को समर्थन देने का वादा किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतपाल सिंह पाली ने कहा कि सुरेंद्र डावर द्वारा इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया है, बल्कि उनके द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। गली नंबर 16 जनकपुरी विखे सरदार बलवंत सिंह जी के सदे से आज की मीटिंग का आयोजित किया गया, जिथे जनकपुरी इलाका निवासियों का धन्यवाद करता। उत्थे समुचे बसार बलवंत सिंह जी ते उन्हां दी समुची टीम का कोटानकोट धन्यवाद है, जिन्होंने इतने बुला के दास को इस नवाजा। मैं समुचा इलाका निवासियों का तहे दिल तो धन्यवाद करदा, आस करदा जिस तरह प्यार अज मिलिया है इस तरह ही प्यार दे के इस हल्के नवाजणगे। इस हल्के तो मैं समुची टीम का एक बार फिर कोटानकोट धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा। कम ही नहीं किसी विकास से, कोई कम नहीं है। पर MLA साहब कह रहे मैं वाह करता विकास, हाँ करता, टहरा मारे झूठियां झोड़ता लैण की खातर, लेकिन पब्लिक तो पुछो पब्लिक नूं की मुश्किलात आ रहे हैं, कोई कम ही नहीं हो रहे। अज हलका सेंट्रल दे विच जनकपुरी दे विच साहब बलवंत सिंह जी ने, साहब प्रतपाल सिंह जी प्रधान जो कि हलका सेंट्रल दे उम्मीदवार हैं, उन्होंने हक दे विच एक बहुत वधिया रैली रखी गई, जो मीटिंग रखी गई, जिस विच हुम हुमा के जनकपुरी के सारे बंदे पहुंचे। असी उन्होंने एक अपने वालों प्रण किया है कि असी 20 तरीक नूं
तकड़ी ते वोटा पा के सतपाल सिंह जी नूं जितावांगे अते विधानसभा च भेजा। लोगों का बहुत वधिया प्यार मिलिया, लोगों ने अपनियां की कहिंदे ने फुल्लां दी वरखा कीती, होर सारा बहुत मान सत्कार दिता। वो सारे दिलों ही कह रहे हैं कि असी सतपाल सिंह जी इहनां नूं जिता के भेजा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के वार्ड नंबर 54 और वार्ड नंबर 62 के हलका सेंट्रल से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र डावर के बेटे माणिक डावर द्वारा आज घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए माणिक डावर ने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र से लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है और लोग सुरेंद्र डावर को इस निर्वाचन क्षेत्र से वोट देकर जिताएंगे और सुरेंद्र डावर द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ही विकास के कार्य किए गए हैं, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार सुरेंद्र डावर की ही जीत होगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने विरोधियों पर भी जम के शब्दी हमले किए। सर, वार्ड नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੁੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਫ ਛਵੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਡਾਵਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। बीते दिन लुधियाना के हलका पूर्वी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजय तलवार के समर्थन में वार्ड नंबर 6 में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने वार्ड के काउंसलर से बातचीत की और संजय तलवार द्वारा 4,500 करोड़ के प्रोजेक्टों और क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में और कांग्रेस द्वारा सीएम चेहरे के बारे में उनसे सवाल किए तो उनका क्या कुछ कहना रहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। की प्रोग्राम है और तुहाडे हलके दे विच 4,000 करोड़ दे डेवलपमेंट दे दावे कीते जा रहे हैं, केड़े केड़े काम यह जे हुए ने ते आने वाले टाइम दे विच की कुछ देखने को मिलेगा, की कहना चाहोगे? पहला तो मैं अपने चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने समा कढ़ के साड़ी आवाज़ नूं लोगों तक पहुँचाउण दा एक जरिया बनाया। तो जिहड़े 4,000 करोड़ दे प्रोजैक्ट साढ़े MLA संजय तलवार ने हलका ईस्ट लई लैके आंदे आ, जे उन्हां दी आपां डिटेल दसण लग पै हुण तुहाडे चैनल दे थ्रू तां समां बहुत बीत जाऊगा। तो जिहड़ा मेरा वार्ड हैगा इहदे विच असीं हर घर दे विच मैगजीन जिहड़ा आ उह छपाया होया, वो डोर टू डोर जाके असीं लोकां तक उह मैगजीन जिहड़ा उह दे रहे हां। तो उह मैगजीन दे उत्ते बड़ा क्लीयर जोड़े भी साढ़े प्रोजेक्ट चलते आ जोड़े चल के खत्म हो गए आ, तो सारे कुछ दसे हुए आ जी। तो मैं सारे बेनती करूँगा भी जोड़े वह प्रोजेक्ट साढ़े चलते है वो मैगजीन के देखो तो उत्थे जाके एक बार विजिट जरूर कर लो। निशा जी, वार्ड नंबर 6 की जो गल करिए 6 के विच किहड़े प्रोजेक्ट होए ने? साढ़े वार्ड नंबर 6 के विच जी सब तो जिहड़ी वड्डी गल सी जिहड़ी राहों रोड की जिहड़ी वड्डी समस्या सीगी जिहड़ी पिछली सरकार ने इत्थे कांग्रेस सरकार नूं दे के गई है, एक कोड जिहड़ा दे के गई आ, जिस ढंग नाल उत्थे सीवरेज पिया सी उह इस तरह पिया सी वी पहलां थोड़ा सीधा जांदा सी फिर दूसरी साइड ते फिर दूसरी साइड ते, उन्हों सही करवाया, उस तो बाद रोड सही करवाई, तो उस तो बाद रोड नू कंप्लीट करा के एक ये काम साडा सब तो बड़ा सी। तो दूसरा काम जिहड़ा गुरु विहार जिहड़ा इंडस्ट्री एरिया जिन्हों किसी ने कभी किसी सरकार ने पूछा नहीं हैगा, ये कह के उत्थे टालिया जांदा सी भी इत्थे दीआं वोटां फैक्टरी दीआं किहड़ियां वोटां हैगीआं, वो लोग नरक भुगते सी जदों कि सब तो वध ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਹੂਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਗਹਿਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰਦਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਉਹ MLA ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗਹਿਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ
वो स्कूल की सेवा भी लेंगे। तो एक वह बड़ा मैं बड़ा उपराला समझदा हो जिहड़ा साढ़े वार्ड नूं बहुत जिहदी लोड़ सीगी वो MLA संजय तलवाड़ जी ने स्कूल दे के पूरी करती। सर बड़े दावे किए जा रहे हैं, तुसीं क्या मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4,000 करोड़ रुपए के काम जिहड़े चल भी रहे ने कुछ कंप्लीट होए ने, लेकिन आम पब्लिक का कहना भी काम चल रहे ने हजे कंप्लीट नहीं होए है। चलो तुसीं इस संजय तलवार साहब जे जित के आते हैं तो प्रायोरिटी के उत्ते किहड़े काम ने जिहड़े पहली टर्म दे विच कीते जाणगे? देखो पहला तो मैं जो मैनू पता हैगा जिहड़ा श्री गुरु रविदास महाराज जी का आडिटोरीयम जिहड़ा चन्नी साहब तो मंग की सी पहला तो 3 एकड़ां दे विच उह बनाउणा प्रोग्राम सीगा। चन्नी साहब ने 1.5 एकड़ जमीन जिहड़ी आ होर साडे आडिटोरीयम नूं जिहड़ी आ उह दे दिती आ। सब तो पहला एक आडिटोरीयम शुरू होगा तो कम्यूनिटी हाल जिहड़ा उत्थे कम्यूनिटी सेंटर जिहड़ा बन जा रहा उहदे जिहड़े टेंडर आ उह लगे हुए आ, उह टेंडर पास होए आ, उह तां जल्दी जल्दी आ चोणां दे विच ही मेरा ख्याल उह शुरू हो जाऊगा। तो एक शहीद ऊधम सिंह कम्यूनिटी सेंटर उत्थे बनना वह भी जल्दी तो जल्दी उहदी भी जमीन उहदे नाल अलाट हो गई आ। जिहड़ियां जमीनां लोकां ने दबियां होईयां सीगियां उह MLA साहब ने कढवा के उह जिहड़े सीगे अपने आडिटोरीयम उन्हां ने ना ते ट्रांसफर करवा दित्ती आ, जिहड़ी कोई भी सरकार उहनूं बदल नहीं सकदी, बनाउणा ही पऊगा। उह ये होर इदां दा एग्जीबिशन हाल हो गया, एग्जीबिशन सेंटर हो गया, इहो जिहा होर भी बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैगे जिहड़े MLA साहब लैके आ। वड्डा एक लेयर वैली आ जिहड़ी 26 किल्यां दे विच जिहड़ी उह पार्क बनाया, मेरा ख्याल वी पूरे पंजाब दे विच किसी भी शहर विच एड्डा वड्डा पार्क नहीं होगा। जिहड़ा अकालियां दे जिहड़े चमचे सी उहनां ने सारी जमीन दबी होई सीगी, MLA साहब ने उहनां तों जमीन थल्लों कढवा के उत्थे जिहड़े 20-50 गज दे प्लाटां वाले परिवार आ उहनां नूं इक वधिया पार्क जिहड़ा दे दित्ता, जिथे सवेरे तुसीं जाके देखोगे तो लोग सैर करदे आ, आनंद माणदे आ जी। तो यह भी बड़ी वड्डी देण आ जी गरीबां लई। सर बहुत दावे किए जा रहे हैं, उही गल आ गई है कि पहला जिहड़ी तुसीं मैगजीन की जिक्र किया काम चल रहे ने हजे कंप्लीट नहीं हुए, मैगजीन दे विच सारे काम मैनशन किए गए ने, तकरीबन उन्हां दे विच ही गया वा भी हल्का पूर्वी दे विच पहले प्रोजेक्ट ने, चाहे फायर स्टेशन है, चाहे वह तुहाडा बिजली घर है, या लेयर वैली है, या होर आडिटोरीयम की भी गल की जाती है, वो जिन्हें भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट ने पहली बार दे प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं हल्का पूर्वी दे विच, जबकि वो काम हजे अंडर कंस्ट्रक्शन ने कंप्लीट नहीं हुए। आम पब्लिक मैगजीन दे विच जो दावे किए जा रहे ने उहदे नाल सहमत नहीं नज़र आ रही है, की कहना चाहोगे? जदों आपां एक छोटा जिहा घर भी बनाउंदे आ तां उहनूं महीने नहीं साल बीत जांदे आ, कॉलेज जदों 5 साल पहलां मंजूर कराया कॉलेज चलदा पिया, कॉलेज जिहड़ा आ उहनूं बनाउण लई 5 साल बीत गए आ, 5 साल लग गए, अज उत्थे क्लासां लगदियां। साढ़े विरोधी जिहड़े नेता हैगे आ, चाहे वह अकाली दल दे आ, चाहे वह आम आदमी पार्टी दे आ, उन्हां दे रिश्तेदारां दे बच्चे भी तो उन्हां दे बच्चे भी उत्थे कॉलेज दे विच पढ़दे आ। ते 11 जिहड़े सरकारी स्कूल आ MLA साहब साढ़े लैके आए आ, उन्हां दे विचों तुसीं जाके देख लिओ 7 नंबर थाणा उहदे सामने स्कूल बणदा, तीजी मंजिल उत्थे बण गई आ, वह मेरा गल है 3 एकड़ां दे विच स्कूल है जिथे एक स्विमिंग पूल भी बन रहा। देखो जदों आपां कोई बिल्डिंग बनाउणी आ, बिल्डिंग एक ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ 5-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ MLA ਬਣਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ CM ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਖਾੜਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 'ਚ ਹੈ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ, ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ ਅਖਾੜਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਫੇਵਰੇਟ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ CM ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਜੇ CM ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ?
देखो सिद्धू साहब भी साढ़े बहुत रिस्पैक्टेबल आ, तो रंधावा जी भी साढ़े बहुत रिस्पैक्टेबल है, साढ़े सीनियर लीडर है साढ़े पंजाब की, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पंजाब नूं अगे ले जाणदा, उन्होंने बिच मादा भी हैगा अगे लैके भी जाणगे, पर जो साड़ी मंशा हैगी आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀ ਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੀ ਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਐਸ ਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਐੱਮਐੱਲਏ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, 6 ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਮ ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਐੱਮ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਮੈਟਰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਐੱਮਐੱਲਏ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਲਝਣਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਦੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਤਬ ਮਿਲੀ ਜਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੇਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਦਸਯ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਹੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਕੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੇਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ
कि इन्हां दा पंजाब दा मॉडल कोई नहीं, ये सिर ते सिर धोखे दा मॉडल है, चीट दा मॉडल है, फरेब दा मॉडल है। ओही गल होई कि हुण भी मसला अपने हलके दी गल नहीं करदे, जिस हलके नूं 18 साल उन्होंने मैं कह सकदा निगलैक्ट कीता, डबो छड्डिया, हलके दे लोकां नाल कोई राबता नहीं, पंजाब दे लोकां नाल कोई राबता नहीं। गल सिर्फ एक दी है, किस्सा कुर्सी दा, कुर्सी मिलू ते सब कुछ, जे कुर्सी नहीं मिलू ते कुछ नहीं। कि इस तरीके दी लोकां प्रति सोच रखनी किसी भी राजसी लीडर लई ठीक है, बिकॉज निरस्वार्थ सेवा होंदी है, ओहदे मिल गए बहुत चंगी गल है, नहीं मिले तुसी यू कंटिन्यू योर गुड वर्क, तुसी आपदा काम करो। मगर सुभाविक है इन्हां नूं गुड वर्क तां दूर दी गल है, वर्क ही नहीं कीता। और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट ही करता कि सानू तां जे कुर्सी मुख्यमंत्री दी मिलूगी तां ठीक है, नहीं तां वी आर नॉट इंटरस्टिड, क्योंकि उन्हां दे आले दुआले ने जो काम करने है, जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो रहा है, जां जो पैसे सरकार लोकां दे खजाने च आउंदे सी उह थल्ले लगे नहीं, पैसों की किवें लुट खसुट हुई है, उहदा सामने चेहरा मूँह बोलती तस्वीर अमृतसर। देखो कांग्रेस च घमासान चल रहा, और मैं थोनों कल भी यह बेनती की थी कि जे सीएम चेहरे ते इन्हां ने केबल पॉलिटिक्स करनी है, पहला इन्हां ने जदों चन्नी साहब नूं बनाया क्या असी पंजाब नूं कि पहली बारी शेड्यूल कास्ट भाईचारे दलित फेस है सीएम दिता है, ते अज थोनों ओहदी कारगुजारी ते फिर भरोसा नहीं। कला जो साडी गल्लां सच्चियां हो गया कि तुसी यूज एंड अब्यूज करना चाहुंदे सी, ओह गल सच हो गई है। जे थोड़ा फेस तुसी काबिल समझदे हो, चंगा समझदे हो, ते फिर मुख्यमंत्री दी अगवाई हेठ इलेक्शन लड़ी जांदी, क्यों नहीं लड़ी जा रही? इसलिए कांग्रेस दी मानसिकता बाहर निकल के आ रही है कि किवें हर भाईचारे नू पाड़ो ते राज करो वाली राजनीति, यूज एंड अब्यूज एंड थ्रो। जो लंबा समा इन्होंने शेड्यूल कास्ट भाईचारे नाल, जो इंदिरा गांधी करती सी, जो राजीव गांधी करता सी, अज उसे नक्शे कदम से राहुल गांधी चलिया। चलो देखो वो सुप्रीम कोर्ट ने ओहदे ते फैसला करना, मेरा ओहदे ते कोई टिप्पणी देनी बणदी सांझा करदा आपदे वीर नाल नवजोत सिंह सिद्धू, जदों मोढे दी लोड पऊ, कोई माड़ा मोटा दर्द दुर्द वध होऊगा ते मजीठिया हमेशा हाजिर आ उहनां दे दर्द नूं घटाउण वास्ते जे कोई कदम उठाउंदा। नहीं मैं तां तुहानूं इह बेनती कीती आ कि एयर एंबूलेंस तैयार होवे, ठीक है जी, क्योंकि और होली सिटी नूं चारों पासों घेर लिया जावे जिथे सिद्धू साहब रहिंदे, क्योंकि जे उहनां नूं नहीं लान्या ते उत्थे टुट भज बड़ी होणी ते नुकसान हो सकदा। और पुलिस नूं मैं तां कमिश्नर आ पुलिस नूं पहलां ही सचेत करदा कि काइंडली इह जा नुकसान ना होवे किसे दा, तुसीं पहलां ही सिक्योरिटी वधा के रखो और एयर एंबूलेंस भी तैयार रखो, क्योंकि फिर जिहड़ा दिल च घाऊ माऊ होणा उह कोई वड्डा कार्डियोलॉजिस्ट ही विच दखल देवे ते बच सकदा। और दिल्ली दी दूरी 500 किलोमीटर है, हुण जे सिद्धू साहब नूं ना लाना गया उन्हां दा इलाज तां कल्ला फिर जनरल बाजवा जां इमरान खान कर सकदा, होर कोई नहीं कर सकदा। इत्थों 30 किलोमीटर दी दूरी ते लाहौर च उन्हां दा इलाज वधिया हो सकदा, मैं तां सुझाव दे सकदा, बाकी उन्हां दी मर्जी है जी किने की करना। मैं देखो मेरी इह सत्कारयोग बीबी नवजोत कौर सिद्धू, मेरी सत्कारयोग भैन जी ने, मैं इन्हां दी पुरानी तुहानूं इक हिस्ट्री दस दिया जे चला भी दिओ बेशक, जदों नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई विचार रखने होंदे ना पहला बीबी जी बोलते होंगे, तो चार दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि हर गल जो आप बोलूगा तो माड़ा लगता, तो यह तो इशारा उस करा रहा कि जो ना बनाया ना तो फिर वेख लियो, इसलिए वो जो बोल रही है उन्होंने सिखाए बोल रहे ने, बड़ी सलाह नाल बोल रहे, हमेशा ही पहला भी वेख लियो, मतलब हिस्टोरिकली तुसी सारी आपकी ओल्ड क्लिप्स कढ लो, ये जो बोल रहे नवजोत सिंह सिद्धू के बोले बोल रहे, उन्होंने आप दे विचार कले नहीं है। देखो आई कंडेम दिस इंसीडेंट, अश्विनी शर्मा जी वैसे भी मैं उन्होंने मेरे नाल वो साथी MLA भी रहे हैं सत्कारयोग ने, लोकतंत्र च डेमोक्रेसी च वायलेंस की कोई जगह नहीं, और ये जी गल पंजाब दे माहौल नूं खराब करन दी गल है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ, तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।